अभी हमारे पास एक बजट स्मार्ट वॉच आ चुकी है और कुछ लोगों का प्रेफरेंस होता है एप्पल लुक लाइक स्मार्ट वॉच लेना, तो हमारे पास भी एक एप्पल लुक लाइक स्मार्ट वॉच आ चुकी है जो कि आप लोगों को काफी कम प्राइस पे देखने को मिलने वाली है। सो यार, जो लोग एप्पल लुक लाइक स्मार्ट वॉच को ज्यादा पसंद करते हैं उनका बजट भी कम है, तो डेफिनेटली ये स्मार्ट वॉच उन लोगों के लिए ही है। जो कि आती है पेबल की तरफ से, पेबल फ्रॉस्ट प्रो। इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, तो सारी चीजों को टेस्ट करेंगे वीडियो के अंदर, तो आप लोग एंड तक बने रहना, तो आप लोग डिसाइड कर पाओगे ये स्मार्ट वॉच आप लोगों को लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, वर्थ है या फिर यहाँ पे वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, इस टाइप की वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले बात करेंगे इसके बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर वॉच की प्रिंटिंग की हुई है, इसी के साथ साथ बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में आगे हम बात करते हैं। आप लोग बॉक्स ओपन करोगे सबसे पहले मिलेगा आप लोगों को यूज़र मैनुअल, इसको पढ़ के आप लोग वॉच को ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को 1 ईयर वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है पेबल की तरफ से, और यह है फ्री स्ट्रैप कार्ड, और इसके अलावा यह है चार्जिंग केबल जैसी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट प्रोवाइड की गई है, और मिल जाता है आप लोगों को ये एप्पल लुक लाइक स्मार्ट वॉच जो कि सेम टू सेम एप्पल देखने में लगती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी टॉप नॉच लग रही है मुझे स्मार्ट वॉच की, और बाकी डिटेल में आगे बात करेंगे हम। सबसे पहले सेटअप एंड एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे काफी यूनिक्स एप्लीकेशन है यार हेलीफाइन करके, इस ऐप को इंस्टॉल करके आप लोग वॉच को पेयर कर सकते हो, काफी ईजी प्रोसेस है। बाकी मैं आप लोगों को ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करेंगे वॉच के बिल्ड एंड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे प्रॉपर मेटल फ्रेम प्रोवाइड किया गया है, बैक साइड में ग्लास फिनिश का यूज किया गया है, जैसा कि साइड में आप लोग देख सकते हो वर्किंग क्राउन प्रोवाइड किया गया है, इसको स्क्रॉल करके आप लोग वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ आप लोग मेन मेन्यू को भी ऑपरेट कर पाओगे, और नीचे वाले बटन को प्रेस करके आप लोग बैक जा सकते हो, और इसी के साथ साथ मिल जाता है आप लोग को स्पीकर एंड माइक जिसके थ्रू आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं स्ट्रैप के बारे में, तो यहाँ पे आपको 44mm का स्ट्रैप मिल जाता है। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यार देखो 1600 रुपये में काफी टॉप नॉच क्वालिटी दे रही है कंपनी, यहाँ पे प्रॉपर मेटेलिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं बात करेंगे इस वॉच के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्प्ले की बात करना चाहूँगा। इसी स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 1.96 इंच की काफ़ी बढ़िया HD डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एज टू एज डिस्प्ले देखने को मिलती है, काफ़ी कम बेजल्स देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोग बेजल लेस ही कह सकते हो। तो अगर आप लोग एज टू एज डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो अंडर बजट, तो डेफिनेटली ये स्मार्ट वॉच आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी बात करते हैं वॉच के अदर फीचर्स के बारे में, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको फोन कॉल्स, कॉन्टैक्ट्स, इसके अलावा कॉल लॉग्स, मैसेजेस मतलब नोटिफिकेशंस, स्ट्रैप काउंट, स्लिप मॉनिटर, सेडेंटरी मोड, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड माई फोन, अलार्म सेटिंग। सेटिंग के अंदर भी काफ़ी सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, ब्राइटनेस, रेस्ट टू वेकअप, स्क्रीन टाइम, डू नॉट डिस्टर्ब, वाइब्रेशन, मेन्यू स्टाइल, लैंग्वेज, इसके अलावा फाइंड माई फोन एंड स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया वॉच के अंदर, अबाउट, रीस्टार्ट, रीस्टोर फैक्ट्री एंड शट डाउन। एंड हेल्थ ट्रैकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट मिल जाता है एंड गेम भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा SPO2, लैंग्वेज एंड स्पोर्ट्स मोड, जहाँ पर आपको 100 something स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किया गया है। साथ ही बात करूँ बेसिक फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको वेदर फोरकास्ट, स्टॉप वॉच एंड कैलकुलेटर से अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी मेन्यू स्टाइल, वॉइस असिस्टेंट, जैन मोड एंड कॉलिंग मोड, इसको आप लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। बाकी बात करते हैं वाटर रेटिंग की, तो इस वॉच में आपको IP68 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है, तो यार देखो नॉर्मल बारिश में तो पहन के निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। एंड वहीं बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे आपको इजीली 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। कॉलिंग का फीचर्स यूज़ करने पे इस वॉच में आपको 1 दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बात करते हैं वॉच के UI के बारे में, तो आप लोग ऊपर से स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग के कुछ शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ्लैश लाइट एंड ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, स्पोर्ट्स मोड। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टकट में ही मेन्यू स्टाइल प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं, तो आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग नीचे स्वाइप अप करो तो यहाँ पे आप मेन मेन्यू में चले जाते हो, जहाँ पर वॉच के सारे फीचर्स शो हो जाएंगे, और अगर आप लोग राइट से स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आप वॉच फेसेस चेंज कर पाओगे। बाकी लेफ्ट से स्वाइप करते आप लोगों को रिसेंट ऐप देखने को मिल जाता है, जो भी आपने रिसेंट में यूज़ किया होगा। इसके अलावा आप लोग क्राउन को प्रेस करके भी मेन मेन्यू में चले जाते हो, बाकी नीचे वाले बटन को प्रेस करके आप लोग बैक जा सकते हो। एंड ओवरऑल UI परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म करती है, बहुत ज़्यादा लैगी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है।
अब चलते हैं फटाफट एक्यूरेसी भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसी स्मार्ट वॉच में क्या हमें बढ़िया एक्यूरेसी देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना हार्ट रेट टेस्ट किया वॉच को पहनकर। काफी डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे हार्ट रेट के रीडिंग के अंदर, 5 से 10 रीडिंग का फर्क देखने को मिलेगा। बाकी बात करते हैं SPO2 के बारे में, तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच काफी ठीक ठाक वर्क करती है। SPO2 के अंदर भी आप लोगों को 2 से 3 रीडिंग का फर्क देखने को मिल जाता है। बाकी ये स्मार्ट वॉच हवा में कोई रीडिंग नहीं देती है, बट मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग किसी भी स्मार्ट वॉच पे रिलाई मत किया करो, सीरियस कंडीशन में डॉक्टर से ही कंसल्ट किया करो। बाकी अब चलते हैं फटाफट कॉलिंग टेस्ट भी कर लेते हैं और देखते हैं कैसी स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्वालिटी। हेलो हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? बस भाई बढ़िया। आवाज तेरे को कैसी क्लियर आ रही है? बिल्कुल जैसे फोन से आती है। चल ठीक है ना, मैं करता हूँ जैसे कम बाद में बात करता हूँ। ठीक, कॉलिंग क्लिप्स यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, आपको आइडिया मिल गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। मुझे ओके ओके लगी इस वॉच की कॉलिंग क्वालिटी। अब फाइनली आते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं आप लोगों को ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा, अगर आप लोग बजट में एक एप्पल लुक लाइक स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो ठस्सा मारने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग इस वॉच को चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आप लोगों का प्रेफरेंस है एक बढ़िया एक्यूरेसी को लेकर या फिर कॉलिंग क्वालिटी बढ़िया चाहिए आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को ये स्मार्ट वॉच रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्मार्ट वॉच में कुछ खास एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप लोग चाहते हो बजट में एक एप्पल लुक लाइक स्मार्ट वॉच पहनना, तो इस वॉच को चेकआउट कर सकते हो। इस वॉच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।